मास्टर इंटरनेशनल स्कूल खो खो का चैंपियन साबित हुआ है। अंडर 14 बालक बालिका इंटर स्कूल खो खो प्रतियोगिता के फाइनल में बालक वर्ग में मास्टर इंटरनेशनल स्कूल व डीएवी स्कूल और बालिका वर्ग में मास्टर इंटरनेशनल स्कूल व रेलवे स्कूल के बीच मुकाबला हुआ। काशीपुर में 6 दिवसीय अंडर 14 बालक बालिका इंटर स्कूल खो खो प्रतियोगिता के फाइनल में जोरदार बढ़त देखने को मिली। फाइनल मुकाबले में बालक वर्ग में मास्टर इंटरनेशनल स्कूल और डीएवी स्कूल भिड़े और बालिका वर्ग में मास्टर इंटरनेशनल स्कूल का मुकाबला रेलवे स्कूल काशीपुर से रहा, जिसमें मास्टर इंटरनेशनल स्कूल ने जीत दर्ज की। इस खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट विजेन चौधरी और विशेष अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी आरएस नेगी थे। अतिथियों ने कहा कि हर विद्यालय को इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं कराना चाहिए। अतिथियों ने सभी टीम का उत्साह बढ़ाया और उन्हें खेल के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने का आशीर्वाद भी दिया। विजेताओं को 2,100 रुपए की धनराशि और ट्रॉफी प्रदान की गई। एक सप्ताह से खेलों का कार्यक्रम चल रहा था और आज इसका आखिरी दिन है। मैं बता दूंगा मुख्य अतिथि के रूप में एक मास्टर इंटरनेशनल स्कूल में आया हूँ। यहाँ पर दो फाइनल हैं, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। और इस विद्यालय में मैं देख रहा था, बराबर आप लोगों के माध्यम से हर मैच का आनंद ले रहा था। कहीं भी हूँ मैं, लेकिन यहाँ का मैं सब कुछ देख रहा था। मास्टर इंटरनेशनल एक ऐसे स्कूल है जहाँ शिक्षा और खेल दोनों का एक साथ संगम होता है, उसको मास्टर इंटरनेशनल स्कूल कहते हैं। हमारे गौरव डॉक्टर गौरवगढ़ जी और शिल्पी जो डायरेक्टर हैं, उन दोनों का बहुत बढ़िया तालमेल है और उसका तालमेल का नतीजा है आज खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये खेल जो खो खो है आज राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है। कभी ये पारंपरिक खेल हुआ करता था और हम इन्हें घरों में खेलते थे, आपने भी खेला होगा उसको, लेकिन आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है और हमारा भारत देश इसकी कर्मभूमि है और जन्मभूमि है। कल निश्चित तौर से अगर ये खेल ओलंपिक में शामिल होगा तो भारत एक और स्वर्ण पदक जीतेगा। तो यहाँ पर मैं सभी अध्यापकगण, मैनेजमेंट के लोगों को और हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, कोचेज हैं, सबको बधाई देता हूँ। मास्टर नेशनल स्कूल काशीपुर के द्वारा ये इंटर स्कूल खो खो चैम्पियनशिप आयोजित की जा रही है अंडर 14 में, और इसमें लगभग हमारी 16-24 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें बॉयज़ की 16 हैं और बाकी गर्ल्स की जो है 8 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। और बड़ा ही अच्छा, ये पहली बार खो खो टूर्नामेंट का आयोजन मास्टर इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा किया जा रहा है और आज यहाँ पर जो फाइनल मैच देखने को मिला, यहाँ पहला मैच जो है रेलवे की टीम और मास्टर इंटरनेशनल की टीम गर्ल्स में, और अभी दूसरा मैच हमारा चल रहा है जिसमें कि डीएवी की टीम और मास्टर इंटरनेशनल की टीम यहाँ पर अंडर 14 में आज फाइनल गेम खेल रही है। और यहाँ पर बड़ा ही अभी एक रोमांचक मैच देखने को मिला, जो कि हमारा गवर्नमेंट का जो रेलवे स्कूल्स और मास्टर इंटरनेशनल गर्ल्स के बीच था। और इस टूर्नामेंट से निश्चित रूप से हमारी जो प्रतिभाएं हैं खेल के प्रति, विशेष रूप से खो खो के प्रति, यहाँ पर आगे इतनी मेहनत बच्चों के द्वारा की जा रही है कि यहाँ पर हमारे राष्ट्र और इंटरनेशनल प्लेयर भी, जो ये बच्चे मतलब खेल के अपनी मेहनत के बल पर जा सकते हैं और निश्चित रूप से ये बच्चे एक ना एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काशीपुर का नाम और हमारे इंडिया का नाम उजागर करेंगे। और खेल प्रतियोगिताएँ बच्चों में और अच्छी स्पिरिट से एक टीम में जीतना है कि हार रहा है, बट हर खिलाड़ी को चाहिए कि वो अपना 100% है, हर इंसान को चाहिए कि वो अपना 100% है। तो एक खिलाड़ी ही जो है यहाँ से सीख के जाता है कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, क्या कर गुजरना है। तो खेल जो है वो इंसान को परिपक्व करते हैं और इसीलिए इनका होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे पढ़ाई का होना ज़रूरी है। खुशी का पल है कि आज फाइनल मैच जो हमारी अंडर 14 गर्ल्स के बीच हुआ था, मास्टर स्कूल और रेलवे के बीच हुआ, जो मास्टर की गर्ल्स ने बड़ी खूबसूरती जीता और 11-4 से वो मैच जीत लिया गर्ल्स ने, हमारी गर्ल्स ने। और बधाई है हमारी गर्ल्स टीम को और स्पेशल कैप्टन को यशी राजपूत को, जिन्होंने गेम बढ़िया खेला बच्ची ने। और सेम ऐसे ही बॉयज़ की टीम में आज जो फाइनल था वो डीएवी और मास्टर का था, बड़ा काटी की टक्कर हुई इस मैच के अंदर और वो मैच भी मास्टर ने जीत लिया। इस तरीके से हमारे स्कूल की दोनों टीमों ने
फायल की ट्रॉफी उठाई है और ट्रॉफी के साथ साथ 2100 रुपये का इनाम मिलेगा और जो रनर टीम से उनको ट्रॉफी और 1100 रुपये का इनाम मिलेगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि 6 दिवसीय कार्यक्रम जो आज विद्यालय कराया है उसका समापन हो रहा है और धन्यवाद है सभी पेरेंट्स का जो आज यहाँ पे आए और सबने बड़ा हौसला अफजाई करी बच्चों की और उन सभी विद्यालयों का जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट बच्चों को कराया उन सबका धन्यवाद है। और स्पेशल धन्यवाद है विजयन चौधरी चाचा जी का और आरएस नेगी जी भी और अमर काशीपुर जी का जो यहाँ पर मुख्य अतिथि बन के उपस्थित हैं और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर धन्यवाद आप लोगों। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।